बहुत कुछ उम्मीद करते हैं और कराएं। जितनी अपेक्षाएं एक विकास विकसित तीर्थ के लिए होती हैं, सारी अपेक्षाएं यहाँ पूर्ण होगी। तो सरकार से सर क्या मांग करेंगे? आप समझ क्यों नहीं पा रहे? सरकार से जितनी सरकार से मांग नहीं करेंगे, आदेश देंगे यहाँ यहाँ का मार्ग का चौड़ीकरण हो जाए, यहाँ धर्मशालाएं बनाई जाए, यहाँ बालिका महाविद्यालय बनाया जाए, यहाँ यात्रियों के सुंदर सुंदर धर्मशालाएं हो, अच्छे हो, और हनुमान जी के मंदिर का जितना संभव हो उतना जीर्णोद्धार हो सके हो जाए, और इसको रामायण सर्किट से जोड़ दिया जाए, अयोध्या सर्किट से। तो मैंने कहा ना कि विकसित तीर्थ के लिए जितनी अपेक्षाएं हो सकती हैं मौलिक अधिकार में, वो सारी सुविधाएं हम यहाँ उपलब्ध कराएंगे। गुरु जी, रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहला दीप उत्सव मनाया जाएगा दीपावली के दिन, उसको लेकर के क्या? बहुत अच्छा हो रहा, आनंद आएगा। दिवाली पूरे मंदिर में हो रही है। सनातन धर्म की बात जहाँ जहाँ की जाती है, जैसे अभी योगी जी ने एक नारा दिया है लोगों के बीच में जाके कि अगर बटोगे तो कटोगे, इसको लेके क्या कहेंगे? ठीक कहा योगी, हम लोगों की बात तो कही उसने। अब इन्होंने ट्रोल को लेकर के कहा कि जिस तरीके से उनके उन्होंने कई लोगों पर जो है मथुरा में FIR भी करवाई, और दूसरा जिसे वो बिश्नोई है गैंगस्टर, उसका उसके ऊपर उसकी माँ ने आरोप लगाया है लारेंस बिश्नोई के ऊपर की उनको धमकी मिल रही मारने की। ये सब बातें मैं नहीं जानता गुरु जी। एक हनुमान जयंती ज्ञान जाति को लेकर गुरु जी क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, पर हम उच्च न्यायालय भी जाएंगे, उच्चतम न्यायालय भी जाएंगे। महाराज जी हमेशा आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू धर्म रक्षा की जीवन की बात करते हैं, लगातार आपको लगता है मौजूदा समय में हिंदुओं को जागरूक होने? बहुत अच्छा, जागरूक होंगे और सबको अधिकार मिलेगा। एक आखिरी सवाल, आप विश्व प्रसिद्ध धर्मगुरु हैं, विधवा महावीरन में ही कथा करने का अभिप्राय? आप जानते हैं हनुमान जी के सभी मंदिर तो पूजनीय है, सभी हनुमान जी पूजनीय है, पर रामायण जी संबद्ध सबसे प्राचीनतम स्थानीय है। कुछ आवश्यकताएं हैं वो जो पूरी की जाएंगी, जैसे मैं चाहता हूं कि यहाँ सबका स्पर्श सबका प्रवेश निषेध हो जाए, कोई मंदिर में हनुमान जी का स्पर्श न करे पुजारियों के अतिरिक्त, हम चाहते हैं। और एक सुंदर ट्रस्ट हो जिसमें हनुमान जी के भोगराग की व्यवस्था हो, प्रतिदिन रामचरितमानस जी का पाठ होता रहे, तो इससे तो मेरा बहुत लगाव है विश्वा महावीर से। 1971 में मैंने पहली बार मंगल व्रत का उद्यापन यही किया था। कल हनुमान जयंती सामने के हनुमान पर युवाओं के लिए मैं राष्ट्र के उपयोगिता है उस पर एक सामूहिक संदेश हुआ, तो मैं प्रत्येक सनातन धर्मावलंबी युवक युवती दोनों को कहूंगा कि हनुमान जी के आदर्श पर चलकर अपनी युवावस्था का सदुपयोग करना चाहिए। हनुमान जी ने अपनी युवावस्था का सदुपयोग किया, तो मुझे क्रोध में आकर उनके लिए कह दिया दूर, मैं भी अपने स्वभाव से स्वयं को वृद्ध नहीं मानता हूं। इसे व्यक्ति को अच्छा शिक्षा कार्य करते रहना चाहिए और काम में नाम की लिप्सा नहीं होनी चाहिए।